पाँचपावली इलाके में दिन प्रतिदिन हत्या की वारदातों में इजाफा होता देखा जा रहा है। इसी बीच पाँचपावली पुलिस थाना के मराठा चौक के पास पांच आरोपियों ने मिलकर एक युवक को तेज धार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतारने का मामला सामने आया। इस मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें तीन नाबालिगों का समावेश है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पाँचपावली पुलिस थाना अंतर्गत आने वाली मराठा चौक के पास 22 वर्षीय खैरीपुरा लालगंज निवासी रुपेश कुम्हारी को चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। यह घटना मंगलवार रात करीब 9:45 बजे के दरमियान घटित हुई। मृतक रुपेश यह वैशाली नगर में एक सलून में काम करता था। मंगलवार रात करीब 9:45 बजे मृतक कहीं बाहर से अपनी दोपहिया गाड़ी से घर आ रहा था, तभी मराठा चौक पर बैठी आरोपी गोलू उर्फ प्रवीण वाघमारे, गौरव गिरडे और अन्य तीन नाबालिग साथियों के साथ गाड़ी तेज चलाने जैसी मामूली विवाद के चलते आरोपी की मृतक से कहा सुनी हो गई, जिसके बाद मृतक अपने घर चला गया और थोड़ी देर बाद जब वह घर से टहलने के लिए बाहर निकला तब पहले ही झगड़ा करने की फिराक में आरोपी हथियार से लैस होकर चौक पर बैठी थी और मृतक का घर से बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही रुपेश मराठा चौक पर पहुंचा, आरोपियों ने उसे घेर कर उसके साथ विवाद करना शुरू कर दिया। आरोपी गोलू और गौरव ने अपने पास के चाकू से हमला कर रुपेश को मौत के घाट उतार दिया। इस बारे में पुलिस उपायुक्त लोहित मतानी ने अधिक जानकारी साझा की। कल रात में 10 बजे के आसपास खैरीपुरा इलाके में मृतक नाम है रुपेश कुम्हारे, इसको पांच युवक ने मिलकर मर्डर किया था। ये रात में ही सुबह 4 बजे तक सभी आरोपी अटक कर लिए गए थे। इसमें सडन रेज के ऊपर से ये घटना हुई है, जिसमें रुपेश मोटरसाइकिल पर ड्राइव करते हुए जा रहा था। उस समय पे सयाम नाम का एक आरोपी से उसका झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद ये जो बाकी चार आरोपी हैं वो भी आ गए और फिर हाथापाई में ये मर्डर हुआ है। ये पांचों आरोपी में से किसी के ऊपर कोई बड़े गुनाह दाखिल नहीं है। तीन आरोपी तो उसमें से ऐसे हैं जिन पे कोई भी गुनाह दाखिल नहीं है। उनमें से दो जुबिनाइल है, एक 18 साल का है, और एक आरोपी है जो गोलू वाघमारे है, जिस पे अभी 2021 में 425 आर्म्स एक्ट की कार्रवाई हुई थी, और एक आरोपी है जिस पर एक 324 का गुनाह दाखिल है। मृतक नाई का काम करता था। सयाम तो जुबिनाइल है और वो कुछ काम नहीं करता था। पुलिस ने इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें तीन नाबालिगों का समावेश है। बता दें कि नागपुर शहर में पाँचपावली इलाका हत्या का हॉटस्पॉट बन रहा है। एक हफ्ते में पाँचपावली पुलिस थाना अंतर्गत ये तीसरी हत्या की वारदात है, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई सवाल पैदा हो रहे हैं। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BC News नागपुर।